कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा? यानी हम 2009 में कोई कैलेंडर हमने खरीदा, उस कैलेंडर का वापस से प्रयोग हम कब कर सकते हैं? हमसे ये पूछा गया, ठीक है? आपको बताया कैलेंडर रिपीट होते हैं, ठीक है? ऐसे प्रश्न में अभी बेसिक जो बताया था आज वही बेसिक काम आएगा। साधारण वर्ष में एक दिन का अंतर और लीप वर्ष में दो दिन का अंतर। तो देखो सबसे पहले 2009 के बाद सन कौन सी आती है भाई? 2010 आती है। जो लिखी हुई सन है जो एग्जाम में दी हुई है उसको नहीं देखना है, जो अभी आप लिख रहे हैं हमेशा उसको देखना है, ठीक है? तो 9 के बाद मैं 10 को देखूं, साधारण वर्ष से कितने दिन का अंतर है भाई? एक दिन का अंतर है। 2010 के बाद सन 2011 साधारण वर्ष या लीप वर्ष? और साधारण वर्ष में कितने दिन का अंतर आता है? एक दिन का अंतर आता है। सन 2012 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? और लीप वर्ष में कितने दिन का अंतर है भाई? बिल्कुल दो दिन का। सन 2013 साधारण एक, सन 2014 साधारण एक, सन 2015 साधारण एक। कब तक लेते जाना है? जब तक सात ना आ जाए। सात पे तो रुकना है क्योंकि सात दिन बाद वही बात वापस से आता है। तो वापस से वही बार अगर सात दिन बाद आता है तो कैलेंडर भी रिपीट होता है। तो आज के बाद ध्यान रखेंगे अपना काम ऐसी संख्या पे बनेगा जो विभाजित कितने से होती है भाई? सात से होती है। तो 2009 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान है? 2015 के समान। एक बार बिल्कुल ऐसे की ऐसे पूरी क्लास नोट कर लीजिए और करो।